हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं कविता चौधरी स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। फ्रेंड, जो स्टूडेंट एस्टेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर रखा है, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एडमिट कार्ड से रिलेटेड। कंप्लीट वीडियो को वॉच करें। क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है सारी चीज़ें बताऊंगी, तभी समझ में आएंगे जब कंप्लीट वीडियो को देखोगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि सभी को पता है 3 और 4 दिसंबर को पेपर होगा, ठीक है। 3 और 4 दिसंबर को पेपर होना है। देखिए फ्रेंड, जो 3 तारीख को पेपर होना है वो पीजीटी वालों का पेपर होगा भाई, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज, 3 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में पीजीटी वालों का पेपर होगा और 4 तारीख को जो पेपर होगा टीजीटी और पीआरटी वालों का पेपर होगा, ठीक है। यहाँ पे इवनिंग में ये जो पीजीटी वालों का पेपर लिया जाएगा इवनिंग में लिया जाएगा 3 तारीख को, 4 तारीख को मॉर्निंग में आपका जो होगा टीजीटी का पेपर होगा और इवनिंग में होगा पीआरटी वालों का पेपर, ठीक है। 3 और 4 दिसंबर को पेपर होगा। आपके जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, आपके जो एडमिट कार्ड है वो 26/11/2022 से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और बता दो फ्रेंड्स, लेडीज को ना तो कोई इयररिंग्स वगैरह पहन के जानी है, ना तो रिंग पहन के जानी है, ना कड़ा कोई चूड़ी, ठीक है, ना पायल पहन के जानी है। मंगलसूत्र उनको अलाउड है, ठीक है, वो सिंदूर लगा सकती हैं और बिंदी लगा सकती हैं, ठीक है। ये 2-3 चीजें उनको अलाउड की गई हैं, ठीक है। बाकी उनको कोई भी मटेरियल उनके पास ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे उनको एग्जाम एंट्री ना मिल पाए। देखो, आपको रिस्क नहीं लेना है। कई बार मेरे टाइम पे एक बार हुआ था, जब लास्ट ईयर में पेपर देने गई थी तो एक लड़की की नाक से बाल ही नहीं निकली थी, तो पुलिस वालों ने कह दिया कि तू बाहर निकल जा सेंटर से, ठीक है। तो आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। बाकी बहुत से सेंटर्स में क्या है, टेप वगैरह लगा देते हैं, लेकिन बहुत ही एडिटिंग करेगा आपको वो, ठीक है, बहुत डिस्टर्ब होने वाले हो, तो इस तरह से अवॉइड करें इन चीज़ों को। कोशिश करें जो भी चीज़ आपका मटेरियल एक्स्ट्रा आपके पास है उसको घर पर ही निकाल के जाएं। जेंट्स वगैरह को घड़ी वगैरह अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। मोबाइल, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक जो आपके पास सामान हो तो आप बिल्कुल ना लेके जाएं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल होके आपको जाना है। आइडेंटिटी प्रूफ जो आपका, आपने फॉर्म अप्लाई किया था, फॉर्म अप्लाई करते समय जो आइडेंटिटी प्रूफ वहाँ पे आपने दिया था तो वो ही लेके जाना है, ठीक है। आधार कार्ड मोस्टली होता है, वो लेके आपको जाना है। और जो फोटो, पासपोर्ट साइज जो फोटो थी आपने फॉर्म अप्लाई जब किया था वही फोटो लेके जानी है भाई, सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास सेम नहीं है तो आप ले जा सकते हैं, बट मैं तो यही कहूँगी चीज़ें रिस्क ना लें, एग्जाम टाइम पर बिल्कुल रिस्क ना लें। और जो टाइम आपके एडमिट कार्ड में दिया है उससे और थोड़ा पहले जाने की आप कोशिश करें, ठीक है। अटेस्टेड करवा लें अपनी। और बता दूँ आपको, जो कॉपीज ले जानी है सेंटर कॉपी और कैंडिडेट कॉपी, ठीक है, दोनों ही कलर्ड कॉपी होनी चाहिए, दोनों ही अलग अलग लेके जानी है। सेंटर कॉपी भी चाहिए और आपका कैंडिडेट कॉपी भी चाहिए। तो ये प्रोसेस रहने वाला है। जो इंस्ट्रक्शंस आपको नीचे दी हुई हैं एडमिट कार्ड में कंप्लीट, उनको देखें, अच्छे से उनको पढ़ें और अपने एग्जाम में जाएं। बता दूं फ्रेंड्स, चैनल पे 90 नंबर का जो पेपर होगा उसकी तैयारी मैं करा रही हूँ, ठीक है। आपने नहीं देखी है तो जरूर जाके देखो। जो बच्चे नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ज्यादा से ज्यादा। मैंने आपकी अपने चैनल पर फिर से बता देती हूँ, कंप्लीट सीडीपी साइकोलॉजी जो आपकी 30 नंबर की पूछी जाती है, तीनों ही लेवल के लिए करा रखी है। उसी के साथ हिंदी, कंप्लीट हिंदी 15 नंबर की कॉमन में जो आती है उसकी एक वीडियो बाकी है, ठीक है। 2 वीडियो डाली हुई है, बहुत ही छोटी छोटी वीडियो है। एक दिन में आप इजिली इन सारी चीजों को कवर कर सकते हो। सिर्फ जो आपको जज्बा होना चाहिए पढ़ाई का, 1 हफ्ते अपने जी जान लगा दो, मेहनत करो, ठीक है, इतनी मेहनत करो कि एग्जाम को क्रैक कर जाओ, ठीक है। 1 हफ्ते में भी चीजें कवर कर सकते हो, बस आप में जुनून होना चाहिए चीजों को, ठीक है। कहते नहीं जान लगा दो या जाने दो, ठीक है, इस बार एस्टेट पास। इसी साथ बता दो, इंग्लिश की मैंने मटेरियल तैयार कर रखा है आपके लिए, ठीक है। एक मैराथन डालूंगी, उसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सारे ही कवर करा दूंगी इंग्लिश के लिए। इसी तरह से मैंने रीजनिंग के लिए मैराथन क्लासेस दी हुई है, रीजनिंग के लिए प्रीवियस क्वेश्चंस है, 3-4 वीडियो डाली हुई है, 2-3 वीडियो और डाल दूंगी एग्जाम तक, आप कंप्लीट वॉच कर लेना, वहां से आपकी सभी टाइप की रीजनिंग की क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये देख लेना भाई। इसी के साथ मैंने हरियाणा जीके की एक वीडियो, ठीक है, 1.5 घंटे की वीडियो है, ओवरऑल सिलेबस जो एस्टेट के अकॉर्डिंग होता है कवर कराने की कोशिश की है, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है वहां से क्वेश्चंस बनेंगे, 100% बनेंगे। एक वीडियो और डालने वाली हूँ, लगभग 1 घंटे की रहेगी, वो 2 वीडियो देख लेना, हरियाणा जी के आपकी 7-8 नंबर की कवर हो जाएगी। क्योंकि 1-3 क्वेश्चन पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से पूछ ले, बाकी 10 नंबर भी बन सकते हैं, लेकिन 7-8 नंबर तो बन ही जाएंगे हरियाणा जी के, वहां से हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे आपकी मैथ 10 नंबर की मैथ है, आप सभी कहोगे तो आप पे डिपेंड करता है, 10 नंबर की मैथ की रीजनिंग जो आपकी रीजनिंग तो करवा रखी है, मैथ के लिए अगर आप बोलोगे तो इसकी भी तैयारी करा दूंगी।
रहेंगे कॉमन नंबर में, तो ये सिलेबस रहेगा। और जो स्टूडेंट टीजीटी पीजीटी हिंदी वाले हैं, हिंदी साहित्य की कुछ वीडियोज डाली हुई हैं, अगर आप सभी कहोगे तो इसको भी कवर करा दूंगी। और जो आपके हिंदी ग्रामर का अलग से पोर्शन होता है, जैसे कि रस हो गए, छंद हो गए, अलंकार हो गए, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और होते हैं, क्योंकि देखो हिंदी वाले क्या है, उनको डबल बेनिफिट होगा, उनको हिंदी ग्रामर जो 15 नंबर की पूछी जाती है वो भी होती है, उनके सिलेबस में भी आती है, ठीक है, जो उनका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है वहां पे भी हिंदी ग्रामर आती है, तो उनको डबल बेनिफिट होगा। तो वो चैनल पर जरूर जाए, प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, प्लेलिस्ट एस्टेट 2022 के नाम से आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है, सीडीपी रीजनिंग मैथ हिंदी इंग्लिश की सभी की मिल जाएंगी, कंप्लीट देखना, आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपका जितना सिलेबस है ओवरऑल आपका रिवीजन हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, थैंक यू फ्रेंड्स।